हे गाइस, मेरा नाम है रे और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल रे। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम लोग किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, वहाँ पे ऐसा शो करता है कि दिस साइट कांट बी रीच। हम उस लोग उस साइट पे हम लोग मतलब जा नहीं पाते हैं और ऐसा दिखाता है हम लोग को, दिस साइट कांट बी रीच। तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली हम लोग अपना वीपीएन यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आप जो आपको एक ऐसी साइट पे लेकर जाने वाला हूँ जहाँ पे आपको वीपीएन यूज़ करने की नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा किसी भी ऐसी साइट को एक्सेस कर सकते हैं जो आप नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया तो मैं आपको बताऊँगा कि उस साइट को कैसे एक्सेस करने का। सबसे पहले मैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर ओपन करता हूँ, न्यू टैब, और यहाँ पे आपको डालने का है अपने गूगल सर्च इंजन में डालने का है प्रोक्सियम प्रोक्सियम डॉट कॉम। आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर प्रोक्सियम डॉट कॉम डालने का है और अपना एंटर करने का है। एंटर करते ही आपके सामने प्रोक्सियम का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। प्रोक्सियम एक फ्री एंड वेब प्रोक्सी अपना वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे कोई भी, एक्चुअली प्रोक्सियम क्या है कि फ्रेंड्स, प्रोक्सियम एक ऐसा एक वीपीएन है जो नॉर्मली ऐसा वीपीएन की तरह काम करता है। तो आप किसी भी साइट को यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आपको कोई मतलब ऐसा वीपीएन क्या ऐसा रहता है कि हम लोग को उसको सेटअप करना पड़ता है, लेकिन इसका आपको सेटअप नहीं। आपको सीधा क्रोम ब्राउजर पर प्रोक्सियम सर्च करने का और यहाँ पे आपको जो सा भी साइट आपको सर्च करने का, नॉर्मल आपको यहाँ पे वो साइट टाइप कर देने का। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसा, मेरे को तो कोई साइट ऐसा है नहीं मेरे नज़र में जो मैं एक्सेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक साइट एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। गेट इनटू पीसी, अब मैं इसको ये सर्च करता हूँ यहाँ पे। अभी ये प्रोक्सी मेरा लॉन्च हो रहा है। हाँ, ये देखिए मेरा प्रोक्सियम लॉन्च हो गया। और प्रोक्सियम लॉन्च होते आपको यहाँ पे सबसे ऊपर प्रोक्सियम की अपना जो लोगो रहता है ना प्रोक्सियम का, वो आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे प्रोक्सियम आपका हो गया। तो यहाँ पे आप कोई भी साइट एक्सेस कर सकते हैं। अभी यहाँ को कोई आपको रोकेगा नहीं। नॉर्मली हम लोग नॉर्मली जो मतलब एक्सेस करना रहेगा, तो मैं नॉर्मली तो प्रोक्सियम ही यूज़ करता हूँ। मैं वीपीएन बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली ये सारे मतलब नॉर्मली कोई भी अपना वेबसाइट देगा तो ये इजिली उसका एक्सेस करा देता है प्रोक्सियम। तो फ्रेंड्स, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अगर वीपीएन यूज़ करते हैं, वीपीएन अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो नॉर्मली आप प्रोक्सियम यूज़ किया करो, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं। आपको क्रोम ब्राउजर पे आने का सर्च करना है प्रोक्सियम, और नॉर्मली आपको जो भी वेबसाइट एक्सेस करने का, आपको यहाँ पे वो टाइप करने का, तो सीधा एक्सेस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वीपीएन सेटअप करने में उतना जो झमेला करना पड़ता है वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली आपको प्रोक्सियम ऐसा यूज़ करने का। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पाने के लिए नीचे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।